बोलना चाहूँगा कि एक बहुत ही टफ और एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपटीशन है यंग एंड ओल्ड टैलेंट के बीच। करण जी ने जो पूरे इंडिया से हर टाइप के एज ग्रुप को लेके यहाँ पे कैटर कर रहे हैं मिसेस पर्सोना इंडिया 2022 सीजन 5 के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को देख के कि हर एज ग्रुप को उन्होंने लेके आए हैं। और जो कई लोग होते हैं लाइक मेरी मम्मी अभी इस दुनिया में नहीं है, अगर होती तो मैं उनको ज़रूर बोलता कि यहाँ पे उतरें, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा होता है जो ये स्टेज है उनको दे रहा है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है कल कि बहुत सारे यंग टैलेंट हैं और बहुत सारे मिडिल एज ग्रुप टैलेंट हैं जो आपस में कॉम्पिटिशन करने वाले हैं और देखना ये है कि कौन जीतता है। वेल, मैं एक एस्थेटिक फिजिशियन एंड सर्जन हूँ, मैं लोगों की ब्यूटी को और ज़्यादा निखारता हूँ, और पर्सोना जो मिसेस इंडिया सीजन 5 में हो रहा है वहाँ पे मैं स्किन की और हेयर के टिप्स देने आया था और ग्रूमिंग दे रहा हूँ यहाँ के कंटेस्टेंट को। ऑल्दो आज मैंने जो सेशन लिया था उसमें बहुत सारे लोग जो थे उनको कुछ ना कुछ इशूज़ थे जिसको मैंने सॉर्ट आउट किया, और देखते हैं कि कितनी हेल्पफुल हुई उनके टिप्स उनके फ्यूचर के लिए। थैंक यू। स्पेशलिस्ट हूँ तो मेरे हिसाब से खूबसूरती इंसान की मुस्कुराहट से होती है। बिकॉज ये मिसेस कैटेगरी है तो इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि इट्स एन ऑल इंक्लूसिव कैटेगरी, मतलब कोई एज लिमिट नहीं है, हाइट लिमिट नहीं है। हो सकता है बहुत लोग की शादी जल्दी हो गई होगी उसकी वजह से वो कभी पार्टिसिपेट मिस कैटेगरी में कर नहीं पाए होंगे। बिकॉज वो मिसेस कैटेगरी है उनको एक मौका मिलता है, एक लॉन्च पैड मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है घरेलू ज़िंदगी से बाहर आके अपने टैलेंट को दिखाने का। बहुत टाइम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहते हैं बिकॉज शादी के बाद प्रायोरिटीज़ बदल जाते हैं, बट ये उनको एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है लोगों को दिखाने का, खुद को बताने का कि मेरे में जो ये टैलेंट था मैं वो प्रदर्शित कर रही हूँ। मोर इम्पॉर्टेंटली मुझे एक स्टेज मिल रहा है अपने आप को दर्शाने के लिए कि मेरा अंदर का पोटेंशियल क्या है। सी बहुत टाइम क्या रहता है कि जो हम चेहरे की मुस्कुराहट देखते हैं बट वो मुस्कुराहट दिल से आती है, तो जब वो दिल से आती है तो जब वो चेहरे पे नज़र आती है वॉक करने के टाइम, इंटरव्यू देने के टाइम, वो एक बहुत ही सुकून देती है। बहुत लोग रहते हैं जो घर के चार दीवारियों में रहते हैं बट जब उनको एक मौका मिलता है कि मीडिया के सामने आने का, कवरेज मिलने का, अपना टैलेंट दिखाने का, तो एक बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है ऐसे लोगों को। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है बट टैलेंट दिखाने के प्लेटफॉर्म्स बहुत कम हैं। जब भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है तो लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए। हम ऐसे पुरुष कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए बट महिला हमारे से ऑलरेडी आगे है, बट उनको बहुत सारी जगह पे रोका जाता है, प्लेटफॉर्म मिला नहीं जाता है कि ऐसा रिस्ट्रिक्शंस है। बट एक बार उनको आप अपॉर्चुनिटी देंगे, मंजिल उनकी ऊपर है, आसमान सबके लिए है। थैंक यू सो मच। लेवल पे शो हो रहा है जो कि सब मिसेस इंडिया वालों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कि मैंने लास्ट के चारों सीज़न देखे हैं अभी तक के। ये लोग बहुत अच्छे लेवल पे शो कर रहे हैं, पर्सोना मिसेस इंडिया बहुत एक अच्छे लेवल पे शो हो रहा है नेशनल लेवल पे, जिसकी वजह से एक मैरिड वुमन्स को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है आगे जाने के लिए, उनका सपना पूरा करने के लिए। सो उसकी वजह से हमने एसोसिएशन किया इनके साथ एज अ मैगजीन पार्टनर, ताकि हम लोग इनके इवेंट्स और इनके जो विनर्स हैं इनको और प्रमोट कर सकते हैं और उनको ज़्यादा एडवर्टाइज कर सकते हैं। थैंक यू। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा पर्सोना मिसेस इंडिया 2022। हम वैसे काफ़ी सालों से एसोसिएटेड उनके साथ और हम क्राउन्स बनाते हैं, शैशिश बनाते हैं इसके लिए, और हम कोशिश करते हैं कि हर बार कुछ नया दें, कुछ अलग दें, और पर्सोना के लिए इस बार भी हमने अलग कॉन्सेप्ट का किए हुए हैं और ट्राई करते हैं कि ब्यूटीफुल लड़की को और भी ब्यूटीफुल्स बनाएँ, उनके सर पर ताज जाएँ, उसकी वैल्यूज़ बढ़ाएँ, क्योंकि एक एम्स होता है जैसे कि प्रीशा क्रिएशन का मानना है कि लड़कियां जो इतनी मेहनत करने के बाद जीतती है, इट्स अ प्राइड फॉर देम, इट्स नॉट अ पीस ऑफ ज्वेलरी। तो वो अर्न करती हैं उसको, उसके लिए वो जिम्मेदारी के साथ आता है वो, तो उसको संभालना, उसको काफ़ी लंबे अरसे तक टिकना, इसके लिए जो क्वालिटीज़ के लिए हम कोशिश करते हैं वो इस बार भी बहुत अच्छी की हुई है।
और आगे भी करते रहेंगे हम। शेवा, सो ये काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ ना कि टैलेंट हम दिखा रहे हैं बट एक अवेयरनेस प्लेटफॉर्म भी है। सो फिटनेस आज के टाइम में, जैसे आप लोगों को कोरोना में भी देखा कि हर लोग फिट और इलनेस फ्री होना चाहते हैं। सो हमारा एक ये मुहिम है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी, थ्रू कॉन्टेस्टेंट्स ऑल्सो, कि हम फिटनेस को, अवेयरनेस को फैलाएं इंडिया में। थैंक यू मिस्टर एंड मिसेस। 2022 एक ऐसा माध्यम जिसमें महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी चीज़ों को, अपनी कला को लोगों के बीच में रखने के लिए। और हमारी भारत की संस्कृति में महिलाओं को फ्रीडम टू स्पीच, स्पीक इन एवरीवेयर, और अपनी लिबर्टी को जो है लोगों तक पहुंचाने की पूरी आज़ादी है। इसीलिए बोलते हैं लिबरेट द वुमेन एवर रिस्पेक्टेड वुमेन, मुक्त करो नारी को, चीर बंधनी नारी को। और आज जिस प्रकार से प्रसन्ना के द्वारा उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है आने वाले दिन में अपने चीज़ों को लोगों तक दिखाना, अपने कला को आम लोगों के बीच में पहुंचाना, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज टैलेंट राउंड है, आज वो लोग अपना कला जो है हम लोग को दिखाएंगे और आने वाले दिन में मुकाम तक पहुँचेंगे। एक्चुअली पिछले साल जुड़ गई थी, मैं पिछले साल पार्टिसिपेट किया था एंड आई वन द वुमेन ऑफ यूनिवर्स क्राउन। इस साल भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू बी हियर, प्रोत्साहन देने के लिए मैं आई हूँ टू डू ऑल द न्यू वुमेन टू कम हियर एंड एक्सप्लोर देयर टैलेंट्स। 2021 में आप विनर रही हैं और अब एक बार फिर आप सपोर्ट के लिए यहाँ पर आएंगे, कैसा लगता है जब आप वन टाइम 2021 में आप यहाँ पर खुद थी इस प्लेटफॉर्म पे अपने टैलेंट के साथ, लेकिन आज आप यहाँ पर लोगों को सपोर्ट भी आए, तो कितना अच्छा लगता है कि आज आप बनने के बाद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं 2022 के। एक्चुअली बहुत ही अच्छा लगता है, ये बहुत एक अमेजिंग फीलिंग है, बिकॉज अब पर्सोना इज़ नॉट अ कंपनी फॉर मी, इट्स लाइक अ फैमिली फॉर मी। उन लोग ने मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिया है, स्पेशली बबीता जी, करण, प्रियंका, एवरीबडी इज़ वेरी सपोर्टिव एंड एवरीबडी इज़ लाइक अ फैमिली मेम्बर नाउ। सो कमिंग बैक वॉज नो चॉइस, आना ही था मुझे तो वापस। थैंक यू। अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, For all the married women and all, it's a very great opportunity कि सबको एक मौका मिलता है कि घर के किचन से बाहर आके एक अपना पैशन दिखाने के लिए। आप किस तरह से जुड़े हैं, आपका किस तरह से सपोर्ट है? हम लोग स्पॉन्सर्स हैं, वी आर गिविंग हैम्पर्स टू ऑल द विनर्स एंड टू ऑल द पार्टिसिपेंट, वी आर गिविंग ब्राउनीज। 2022 पाँचवा साल है, किस तरह से ये 5 साल निकले, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे। पर्सोना मिसेस इंडिया बहुत अच्छे से और बहुत स्मूथली हम लोगों ने निकाला, क्योंकि इसमें हम लोग जो तीनों पार्टनर हैं, प्रियंका, करण, हम लोग साथ में काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया है। और हमारे साथ आप देख रहे होंगे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, प्रेशा जुड़ी हैं, होममेड जुड़े हैं, सभी लोग जो साथ में जुड़े हैं इनका, और आप लोगों का भी एक बहुत बड़ा योगदान हमारे साथ रहा जो आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे इतने आगे तक पहुंचे हैं और आगे जाना है। जब भी घर से बाहर महिला निकल कर इस प्लेटफॉर्म पर आती हैं जहाँ पर फैशन से जुड़ती हैं, किस तरह से आप देखती हैं उनकी लाइफ को, कितना ज़्यादा उनके अंदर हैप्पीनेस होती है और क्या कुछ चैलेंज होता है उनके सामने? अभी 2 मिनट पहले आपने देखा कि हमारे पहले मैंने 2021 की विनर जो शुभि अग्रवाल वहाँ से दिल्ली से आई हुई हैं, तो हम लोग ऑडिशन जब ऑल ओवर इंडिया में लेते हैं तो हम लोग बोलते ही हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है महिलाओं के लिए, जो आप आएँ, जिनकी कुछ ख्वाहिशें रही थी जो पूरी करना था ज़िंदगी में, उस चीज़ को अपनी पूरी करें, अपने शौक़ कहीं ना कहीं लड़की के रूप में रह जाता है, तो महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते हम लोग उस चीज़ को पूरा करते हैं, इसीलिए आज पर्सोना है। तो आज कितने स्टेट से यहाँ पर जो लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहाँ से लोग आए? रांची है, नागपुर है, काफ़ी, यानी ये मान के चलिए कि 15 प्रदेशों की महिलाएं आज आपको मिनी भारत यहाँ इस स्टेज पे देखने मिलेगा। थैंक यू।
थैंक यू सभी, आप सबको थैंक यू। और आने वाले परसोना में भी हम महिलाओं से यही बोलना चाहेंगे कि आप सब आएँ और ऑडिशन दें, हमारे साथ जुड़ें, इस प्लेटफॉर्म पे आएँ। ये प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा है महिलाओं के लिए। थैंक यू। मैं मिस्टर इंडिया कर रहा था वहाँ, तब बहुत नर्वसनेस तो होती ही है ना, इट्स क्वाइट नॉर्मल, होना ही है। बट मिस्टर और मिस दोनों में प्लेटफॉर्म है, बट मिसेज में बिल्कुल प्लेटफॉर्म नहीं होता है आगे जाने के लिए। तो थैंक्स टू करण भाई, उनने ये प्लेटफॉर्म दिया है मिसेज के लिए, और मेरी खुद सिस्टर इन लॉ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। सो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि वो अपने आप को आगे रिप्रेजेंट कर सकती हैं एक पेजेंट में अच्छे लेवल पर। सो या हाँ, अगर आप यहाँ पे विन करते हो तो आप आगे जाके मिसेस इंडिया, मिसेस वर्ल्ड में जा सकते हो, और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती ही हैं। आप शोज़ कर सकते हो, बड़े बड़े शोज़ टॉपर बन के जा सकते हो, डिज़ाइनर शोज़ कर सकते हो, आपको बहुत सारी लिंक मिल जाती है ऐसी शोज़ से। थैंक यू सो मच। ये क्योंकि मैं खुद एक यू नो एक हाउस वाइफ हूँ एंड देन आई एम अ मदर। सो जिस तरीके से पार्टिसिपेंट आज जितने भी यू नो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं उनको देखते हुए मैंने करण को भी यही सपोर्ट किया कि हमारी होटल में स्टे करिए बिकॉज ऑल आर लेडीज़ एंड लेट देम इन्जॉय, बिकॉज 5 days का ट्रेनिंग इतना ज़्यादा रहता है उनका, काफ़ी डिफ़िकल्ट रहती है। सो आई थिंक सारी महिलाओं को एक बार अपने आप को ये एक्सप्रेस करने का मौका मिलना चाहिए, और ये त्रिम्बक राज दे रहा है। आई एम हैप्पी, आई एम ऑल्सो बीन यू नो बिजनेस पार्टनर एज ए होटेलियर टू देम, सो आई एम हैप्पी दैट आई एम ऑल्सो सपोर्टिंग इन अ वे। थैंक यू। मैं, मेरा नाम वसीम आलम है, मैं फैशन कोरिगा पर हूँ और झारखंड राज्य से बिलोंग करता हूँ, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है परसोना मिसेस इंडिया, नॉट ओनली मैरिड वुमेन के लिए, डिवोर्सी भी हैं उनके साथ भी वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बहुत सारी लेडीज़ का प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग जल्दी शादी हो जाती है तो घर पे फंस जाते हैं, बहुत सारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। अभी इन लेडीज़ के लिए ये अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आके अपना परफॉर्मेंस दिखा रही हैं, अपना टैलेंट दिखा रही हैं, और अपनी एरिया को एक प्रूव करके दिखा रही कि मेरे से ये हो सकता है, आई कैन डू इट। तो ये बहुत अच्छा है। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा बबीता मैम एंड करण सर को कि जिन्होंने यहाँ पर अपनी टीम में मेरे को इंक्लूड किया है। हाय, आई एम सुहेल शेख। सो परसोना इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म मैरिड वुमन, जैसे कि हमारे इंडिया में काफ़ी ऐसे पेजेंट हैं जो अनमैरिड जैसे कि गर्ल्स के लिए होते हैं, जैसे कि फैमिली नाम इज इंडिया। तो परसोना इज़ लाइक वन ब्रांड जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ मैरिड वुमन पेजेंट, एंड इट्स टाई अप विद द इंटरनेशनल ब्रांड ऑल्सो। तो एक ग्रेट प्लेटफॉर्म है जब मैरिड वुमन आके इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकती है। थैंक यू। मिसेस इंडिया इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द मैरिड वुमेन, पहली बात। तो यहाँ पे जो भी शादीशुदा शादी के पहले किसी की एक इच्छा होती है कि मैं भी इंडस्ट्री में जाऊँ, मैं भी अपने लिए कुछ करूँ, मैं भी इस ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ूँ, तो शादी के बाद यूजुअली कहीं ना कहीं वो एक लाइन बन जाती है। फेमिना मिस इंडिया होता है मिस के लिए, बट मिसेस इंडिया आज तक इस लेवल पे जो चैनल पे आता हो या जो इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी के साथ कोलैबोरेटेड हो, ऐसा आज तक हुआ नहीं। सो वी स्टार्टेड परसोना मिसेस इंडिया आज से 4 साल पहले, दिस इज़ द 5th ईयर। सो हर तरह की औरतें मिलेगी, क्योंकि इनर ब्यूटी मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। आप सब मेरा मानना है, जॉन अब्राहम जैसी बॉडी नहीं बना सकते, बट आई थिंक उनसे उस तरह का दिल बनाकर अपने इर्द गिर्द लोगों को खुश रख सकते हो। तो हर किसी में खूबसूरती होती है, हर कोई इंटरनल ब्यूटी के साथ आता है। तो मिसेस इंडिया कहीं ना कहीं देखता है आपका नेचर, आपका बिहेवियर विद अदर पीपल, आपका एटीट्यूड, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं आता है टैलेंट। सो या आज इतने चौथा दिन है आज, और इतने दिनों से हम लोगों ने जो भी चीज़ें की है, आज फाइनली उन लोग टैलेंट भी दिखा रहे हैं। उनके ऑब्जर्वेशंस हो चुके हैं, उनका नेचर कैसा है, वो वॉक कैसे करती हैं, वो खाना खाते वक्त कैसे बिहेव करती हैं, उनका उनके कलीग्स के साथ कैसा है, रूममेट्स के साथ कैसा बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व हो चुकी है। टुडे इज़ द टैलेंट राउंड। इस टैलेंट राउंड में कुछ औरतें आएंगी जो गाना गाएंगी, इस टैलेंट राउंड में कुछ औरतें आएंगी जो डांस करेंगी, कुछ आई थिंक शायद कोई ब्रिक लेके आए या उसे तोड़ने की कोशिश करे, कुछ जुम्बा करके दिखाएंगी, कुछ योगा करके दिखाएगी। सो टैलेंट इज ऑल अबाउट आप किसी को एंगेज कर सकते हो अपना टैलेंट दिखाते हुए, तो दैट्स कॉल्ड टैलेंट। और वो टैलेंट राउंड आज है। आज आप कह सकते हैं कि फिनाले के एक दिन पहले जो सेमीफिनाले होता है वो है, क्योंकि आज के जो पॉइंट्स हैं
आज के जो मार्क्स है हमारे विनर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है. सो यार टुडे इज अ टैलेंट राउंड और वो टैलेंट राउंड में अपने हिसाब से कुछ भी दिखा सकते हैं. तो आप कितने एक्साइटेड हैं कि सभी महिलाओं जिस तरह से आज यहाँ पे सभी टैलेंट दिखाना है, तो आप किस तरह सोच रहे हैं, क्या कुछ है माइंड में, कितने टैलेंट होंगे जो यहाँ पर आज इस मंच पर आपको देखने को मिलेगा? देखिए माइंड में तो टॉप 40 जो हमारे हैं उनका टैलेंट है ही, हमें पता है टॉप 40 लोग के हमें टैलेंट देखना है. खुशी होती है कि आई प्रोबेबली बिलीव आप ज़्यादातर लोग फर्स्ट जब शीक नाम से लॉन्च हुआ था आप सब तब थे. यूजुअली इवेंट्स बहुत सारे लॉन्च होते हैं बट वो इवेंट तक सीमित होकर ख़त्म हो जाते हैं, बट परसोना मतलब शीक मिसेस इंडिया को, परसोना मिसेस इंडिया की जर्नी जो 5 साल की थी वो आप सबके सामने हुई है, तो खुशी बहुत ज़्यादा होती है. बट ट्रस्ट में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, नींद नहीं आती है, क्योंकि कल फिनाले हैं. तो ये इवेंट के बाद हमारी पूरी टीम जाने वाली है, कल जो फिनाले हैं हमारा उसकी तैयारी हो रही है. अच्छा लगता है, एंगेजमेंट रहता है, क्योंकि इसके बाद और एक महीना हमारा ट्रेलर लॉन्च होगा, अगेन आप सब आएंगे, फिर हमारा शो रिलीज़ होगा, अगेन आप सब आएंगे, हमारे बैनर्स लग रहे हैं, लास्ट ईयर भी लगे थे. तो या इट्स अ बिग जर्नी, इट्स अ बिग टास्क कि इस चीज़ को हम कंप्लीट करें, बट वो थोड़ा मुश्किल होता है. तो देश के भारत के कोने कोने से इस तरह से इतने सारे टैलेंट थे, उनके टैलेंट को एक मंच पे लाना, ये कितना मुश्किल होता है, और किस तरह से आप डिसाइड मतलब किस तरह से लोगों तक पहुंचते हैं कि जिनको इस प्लेटफॉर्म पर आना उन्हें लेकर मुंबई तक लेकर आना अलग अलग स्टेट्स. सो एज एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, हमारे इंडस्ट्री में अनुपम खेर एकेडमी है जहां से मैं जब मैं एक्टर बनने आया था 2007 की बात कर रहा हूं, तो मैंने वहां पे कोर्स शुरू किया था. फिर पृथ्वी थिएटर भी है, फिर लाइव वायर्स भी है, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं एक्टिंग सिखाने के लिए. मिसेज इंडिया परसोना मिसेज इंडिया इकलौता नहीं है, बहुत सारे मिसेज इंडिया होते हैं, बट लोगों के ऊपर है कौन सा ऑथेंटिक है, कौन सा जेन्यून है, कौन से इंटरनेशनल पैटर्न से कोलैबोरेशन है, किनके पास चैनल पार्टनर है, किनके पास रेडियो पार्टनर है, फेम ग्लैम पार्टनर है, या ऐसे पार्टनर्स है जो आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकते. तो या ये कन्विंस करना एक मैरिड फीमेल को और उनके हस्बैंड को, क्योंकि सिर्फ बॉम्बे की या दिल्ली की बात होती तो बात अलग होती है. यूजुअली होता ये है कि जब आप T2 सिटीज़ में जाते हो तो लोग एक मेंटालिटी बना के रखते हैं, यार ये तो हर गली में हो जाता है, ये तो हमारे भोपाल में हो गया था, ये तो हमारे रांची में ऐसे ही हो जाता है, ये तो यू नो हमारे बैंगलोर में ऐसे ही चलते फिरते एक मॉल में शो हो गया था. तो उनको कन्विंस करना कि नहीं यहाँ से आपकी वाइफ कुछ कर सकती है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है, जहाँ से पहचान मिले, जहाँ से वो जो करना चाहती है अपने अपने यू नो जो उसने सपने देखे उसे पूरा करना चाहिए, जो परसोना इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म. तो या इट्स डिफ़िकल्ट कि उन सबको एक साथ लाना, फिर लाने के बाद उन्हें एक होटल में रखना, 5-star होटल यूजुअली हमारे जैसे इस बार लेमन ट्री हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है, तो उस होटल के जो स्टाफ होता है उनके ऊपर भी एक टास्क होता है, क्योंकि औरतें बहुत फिनिकी होती है, उनका एक नेचर होता है जल्दी गुस्सा करने का, क्योंकि उनका एक आप सब जानते हैं, आप अपनी माँ बहनें जिन जिनकी शादी हो चुकी है आप वाकिफ हैं उन लोगों से, उनके नेचर कैसे होते हैं, उन्हें गुस्सा कितना आता है. तो इट्स डिफिकल्ट टू मेंटेन, इट्स डिफिकल्ट टू हैंडल देम, बट या जब लास्ट डे तक होता है और वो अपने घर चले जाते हैं तो ऑफकोर्स हर किसी का मैसेज आता है, दैट्स वो 5 days हमारे लाइफ के गोल्डन डेज थे, हमारे पास शायद और काश वो दिन वापस आ पाए. सो या मज़ा तो बहुत आता है उसमें. थैंक यू. हमारा परसोना मिसेज इंडिया का 5th season है. जब हमने 1st season चालू किया था तो ऑब्वियसली थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, क्योंकि 1st year था, ब्रांड नया था, तो लोगों को विश्वास करने के लिए भी थोड़ा टाइम लग रहा था. पर जैसे जैसे साल बढ़ते गए, सीजन्स बढ़ता गया, लोग हमसे जुड़ते गए, कंटेस्टेंट्स लोग को भी पिछले कंटेस्टेंट्स को देख के पता चला कि ये जेन्युइन है, और जो भी हमारे साथ टीम मेंबर्स या स्पॉन्सर्स या कोई भी इवेंट वाले जुड़ते हैं तो उनको पता है कि अगर ये ब्रांड पिछले 4 साल से ये चीज़ इतनी आगे तक बढ़ा चुका है तो ऑब्वियसली इस ब्रांड में कुछ ना कुछ तो बात है. तो धीरे धीरे चीज़ें आसान होती गई. और आज के इस टैलेंट राउंड को किस तरह आप देखते हैं, कितना ज्यादा लग रहा है, किस तरह से आज आपको क्या टैलेंट होगा जो हमें आज मंच पर लोगों को देखने को मिलेगा, और आपको लगता है कि हर महिला जो हाउसवाइफ है या फिर जॉब, उन्हें भी बाहर निकल के इनके अंदर जो दबी हुई प्रतिभा है उन्हें बाहर निकालना चाहिए? जैसे अगर हम जब सिटीज़ में ऑडिशंस करते हैं, हम सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं, T2 सिटीज़ में भी करते हैं. हम औरतें जो हमारे पास आज के तारीख में है वो छत्तीसगढ़, रायपुर, रांची, उत्तराखंड, बहुत सारे देशों से है, तो उनके लिए ये मीडिया बहुत बड़ी चीज़ है. उनको कभी ये चांस मिला नहीं कि वो आए कैमरा के सामने, कुछ अपने आप का पोर्ट्रे कर सके. तो ये परसोना के वजह से
उन लोग बहुत उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है। आज टैलेंट राउंड है तो उनके अंदर जो भी हुनर है जो वो शायद कभी दिखा नहीं पाए आज ये प्लेटफॉर्म में वो दिखा पाएंगे। थैंक यू। कॉन्सेप्ट को सुना था तो मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कि इतना अच्छा हुआ, क्योंकि जब हम ऑडिशंस वगैरह में अपने चैनल पार्टनर के साथ बात करते थे तो वी रियलाइज़ कि एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट अबाउट कॉम्पिटिशन, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर देम। अगर आप उनसे मिलेंगे या ये लाइफ टाइम में एक बार आने वाला एक्सपीरियंस है, और जो हमारे पार्टनर्स हैं, इवन हमारे ग्रूमिंग मेंटर्स या हमारे जो स्टाइलिस्ट हैं, वो सब दे ऑल आर प्रोफेशनल, तो इतने लोगों को इकट्ठा करके मौका मिला, इट्स आई थिंक इट्स अनअचीवेबल बहुत से लोगों के लिए। येस, सो जिसको भी मौका मिले जस्ट इन्जॉय इट एंड डू योर बेस्ट। मोगासिनी इज़ अ लेबल जो सेल्फ लव और वी सपोर्ट सेल्फ लव एंड दिस इज समथिंग दैट वीमेन नीड टू बी कनेक्टेड विद। ज्वेलरी इज समथिंग दैट दे आर ऑल अडोर्ड विद एंड देयर बाय वी थॉट दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गेट कनेक्टेड एंड यू नो इनकॉर्पोरेट सेल्फ लव एंड ग्रो मोर। हमारी हमेशा कोशिश रही है, ये हमारा आज फिफ्थ सीज़न है जो हम लोग ने स्टार्ट किया है 1 जुलाई से। अभी ट्रेनिंग सेशन चल रहा है उन लोगों का, देन हम लोग तो हमारी पूरी यही कोशिश रहती है कि हम इनका टैलेंट जो है हर जगह से, जितनी लेडीज़ें आती हैं हमारी मतलब छोटे छोटे जगह से भी, इस बार हमारे पास रांची से भी कुछ लेडीज़ें आई हुई हैं जो आज तक नहीं आई थी, हमारा फिफ्थ सीज़न है तो अभी तक रांची से नहीं आई थी, अब रांची से आई हुई हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे छोटे छोटे जगह से भी जो लेडीज़ें आ रहे हैं हम उनका टैलेंट जो है हर जगह उनको दिखाया जाए, उनको आगे प्रमोट किया जाए, उनका जो छुपा हुआ टैलेंट है वो दिखाया जाए। जी ग्रूमिंग के लिए ग्रूम तो उनको मतलब हर तरीके से किया जा रहा है, जैसे वॉक है, उनका बोलने का तरीका है, उनको माइक कैसे पकड़ना है, हम लोग ने बहुत सारे मेंटोर रखे हुए हैं जो उनको ट्रेन कर रही हैं, और उन लोग भी काफ़ी इंटरेस्ट लेके जो हमारी लेडीज़ हैं पार्टिसिपेट हैं वो भी काफ़ी अच्छे से उन लोग हम उनको मतलब सिखाया जा रहा है और उन लोग भी इंटरेस्ट ले रही हैं। थैंक यू सो मच।